होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में बुधवार दोपहर राह भटक कर 3 साल की एक मासूम घर से करीब 2 किलोमीटर दूर आ गई। जागरूक नागरिकों ने इसे देखा और डायल 100 को सूचना दी। वाहन के आरक्षक जितेंद्र कुछ बंदिया व पायलट सुबोध चावरे ने बच्चे के परिजनों का पता लगाया और उनके सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार सुहागपुर में रहने वाली एक बच्ची जो सिवनी मालवा के गाडरी मोहल्ला में अपनी रिश्तेदार के यहाँ रहने आई थी, बुधवार को खेलते खेलते घर की राह भटक कर दूर निकल गई थी। गाडरी मोहल्ला से ये बच्ची राही चौक पहुंच गई थी। राही चौक क्षेत्र में जागरूक नागरिक बल्लू रघुवंशी और रजनी रघुवंशी ने बच्ची को रोते हुए देखा। नाम पता पूछने पर वह बच्ची कुछ बता नहीं पाई, जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 भोपाल ने सूचना मिलने पर सिवनी मालवा क्षेत्र के वाहन को सूचना दी। आरक्षक जितेंद्र कुछ बंदिया व पायलट सुबोध चावरे तत्काल मौके पर पहुंचे और बालिक को अपने संरक्षण में लिया, जिसके बाद जागरूक नागरिक बल्लू रघुवंशी और रजनी रघुवंशी अपने वाहन से डायल 100 के साथ मोहल्ले मोहल्ले बच्ची के परिजनों को ढूंढने में लगे रहे। कई मोहल्लों में ढूंढने के बाद आखिरकार बच्ची के परिजनों की तलाश में सफलता मिली, जहां बच्ची को सौंप कर परिजनों को समझाइश भी दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी रघुवंशी है। मुझे मेरी कॉलोनी में ये बेटी मिली थी, तो वहाँ से हम लोगों ने फिर सोचा कि इसको अपने घर पहुँचा दें, तो हमने पुलिस को कांटेक्ट किया और उनकी सहायता से हम उसके घर लेके आए। क्या डायल 100 पे हमको अभी एक कॉल आया थोड़ी देर पहले कि एक बच्ची खो गई 3 साल की, जो अपने मम्मी पापा का नाम नहीं बता रही है और बहुत रो रही है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने पता किया सभी दूर पे, और ये भाई साहब की सहायता से और ये दीदी की सहायता से हम लोगों ने पता किया। तो ये बच्ची यहाँ की है, गाडरी मोहल्ले में इन लोगों की पता चली है, और इनकी भांजी कहीं बाहर से आई थी सुहागपुर से, इसलिए कोई लोग पहचान नहीं पा रहे थे, तो इनके सुपुर्द कर दिया है। बाकी तो सब ठीक है।